Welcome back to my YouTube channel Lovez Academy. So in this lecture we will solve problem set 5. तो अभी तक हमने सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, तो आज सॉल्व करेंगे हम प्रॉब्लम सेट 5. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब कौन सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप. फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी. तो देखो, अब हमें लेट्स रिमेम्बर में यहाँ एक फोटो डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 और 0 to 100%. तो देखो, अब हमें ऑप्शंस कौन से मिले हैं, 2/3, 1/5, 15% एंड 0.7%. लेट्स रिमेम्बर में हमें क्या दिया है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, अक्सर 0 और 1, मतलब 0 to 1 इसके बीच में होगा, नहीं तो 0% up to 100% इसके अंदर होगा. तो ऑप्शन में देखो, 2.3 इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दो, उसका भी डेसिमल पॉइंट आएगा, 2.3 कर लो, 0.666 समथिंग कुछ तो भी आएगा, मतलब क्या है, लेस देन 1, मतलब फिट आ रहा है हमारे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में. देन 1.5, देखो 1.5 1 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1.5 नहीं बनेगा, मतलब आंसर नंबर क्या आएगा हमारा, बी. एंड देखो थर्ड एंड फोर्थ, 15% 0 to 100 में आता है, देन 0.7 0 to 1 में आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1 और 0% to 100%. नोट डाउन कर लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस एमसीक्यू को एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर दो. बहुत अलग टाइप का एमसीक्यू है, क्योंकि कहां से आया ये, लेट्स रिमेम्बर से ये एमसीक्यू उठाया गया है. तो चलो नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू 1 का आंसर है बी, दैट इज 1.5. देन आते हैं हमारे सेकंड एमसीक्यू पे. सेकंड एमसीक्यू में दिया, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर सरफेस इज लेस देन 3. अब देखो, अपर सरफेस पे लेस देन 3 चाहिए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा पहले वो लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही रोल, एक ही डाई रोल किया है. कंडीशन क्या दी है हमें, इवेंट दैट नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3. तो अब देखो, लेस देन 3 दिया है हमें, मतलब 3 नहीं चाहिए, 3 के लेस देन चाहिए. कौन से नंबर मिलेंगे यहाँ, 1 और 2. अब इसकी भी क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी, कितने नंबर आए हमें, 2 नंबर. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट कितने, 2, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने, टोटल 6. ये बनता था हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. तो 2/6 कर दो डिवाइड 2 से, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1/3. तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी. नोट डाउन कर लो, सेकंड एमसीक्यू का आंसर है बी, दैट इज 1/3. देन आते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू पे, नोट डाउन कर लो सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर बी. अब थर्ड एमसीक्यू क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नंबर चोजन फ्रॉम 0 to 100 इज अ प्राइम नंबर. अब देखो, ये चीज आपको होमवर्क में करनी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, 0 to 100 में कितने प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर होते क्या है, पहली बात ये बेसिक आपको समझा देता हूं. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको सिर्फ 1 एंड उसी नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो सकता है वो. तो देखो, एक नंबर, 1 नंबर ये छोड़ दो, ये प्राइम नहीं होता. देन स्टार्ट कहां से होगा, 2, 3, 5, 7, देन 13, 11, ऐसे नंबर. क्योंकि देखो यहां 2 को क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सेम फॉर 3, 5, 7, 11, 13. तो ऐसे नंबर 0 to 100 में कितने आते हैं, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिंदगी भर याद रखनी है कि प्राइम नंबर्स फ्रॉम 0 to 100, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाओगे तो ये आपको बहुत काम की चीज है. 0 to 100 में देर आर कितने नंबर्स होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर्स, देर आर 25 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन, इन बिटवीन किसमें, 0 to 100 में. अब हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी 25 नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो ये तो बना हमारा इवेंट,
तो इवेंट यहाँ बन रहा है, दैट इज 25 नंबर हमने कैलकुलेट कर लिए। टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 0 to 100, मतलब कितने नंबर्स आएंगे उसमें, 100 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगी, सपोज ए इवेंट लेता हूं मैं, ये इवेंट है, देन सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट ए इज इक्वल टू 25 एंड सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 100, क्योंकि 0 टू 100 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देन 25 अपॉन 100 क्या आ जाएगा आपका आंसर, सिंप्लीफाई कर दो, 1/4, 25 से ही डिवाइड कर दो, 1/4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज 1/4। तो थर्ड का ऑप्शन नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी, 1/4। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे, दैट इज एमसीक्यू नंबर 4। तो फोर्थ एमसीक्यू में क्या दिया है, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बियर अ नंबर फ्रॉम 0 to 40, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बियर द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो अब कहां से कार्ड, कितने कार्ड है, 40 कार्ड्स, मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते हुए 40 कार्ड तक, मतलब हमारा सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आएंगे नंबर्स, 40। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 40। देन कंडीशन क्या दी है हमें, विच इज मल्टीपल बाय 5, मतलब जो नंबर हम निकालेंगे कार्ड, जो नंबर उस पे होगा वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर होते हैं, मैंने बताया था 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल। यहाँ कौन से कहां तक आएंगे, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 हमारा लास्ट नंबर है। देन कैलकुलेट करो कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब ये ए इवेंट हो जाएगा। तो ए इवेंट के इतने सैंपल पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 एंड ये 4, मतलब एन ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए इज इक्वल टू 8। देन प्रोबेबिलिटी मस्ट बी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 8/40। इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंसर 1/5। नोट डाउन कर लो ऑप्शन नंबर ए, 1/5। सॉल्व करते हैं लास्ट एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू में क्या दिया है हमें, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली लिखता हूं एन ऑफ ए सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए इज इक्वल टू 2, P of A भी दिया है हमें, P of A is equal to 1/5 and calculate N of S is equal to question mark। तो सिंपल है हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, P of A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, पी ऑफ ए दिया है हमें, दैट इज 1/5 इज इक्वल टू एन ऑफ ए 2, एन ऑफ एस कितना है हमें कैलकुलेट करना है। देन अब एन ऑफ एस डिनोमिनेटर में यहां जाएगा तो न्यूमरेटर में, एंड ये डिनोमिनेटर का क्रॉस में जाएगा तो 2 × 5 हो जाएगा, मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू डायरेक्टली 2 × 5। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस क्या बनेगा आंसर हमारा, 10, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नोट डाउन कर लो आंसर, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का भी ए। नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बास्केटबॉल प्लेयर जॉन वसीम आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन अ बास्केट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन वसीम एंड आकाश आर 4/5, 4/5, 0.83 एंड 58%। किस किस की दी है हमें भाई, जॉन वसीम एंड आकाश की रिस्पेक्टिव, इन तीनों की हमें प्रोबेबिलिटीज दी है, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हमें इसमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले बात तो ये कि इन तीनों का फॉर्मेट अलग है, ये दिया है हमें परसेंटेज में, ये दिया है हमें फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, तो हमें तीनों को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
करो कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट में। पहले तो हम सेंटेंसेस लिख लेंगे। क्या दिया है नाम उनका? वसीम, जॉन वसीम एंड आकाश। जॉन वसीम एंड आकाश हैविंग प्रोबेबिलिटी, हैविंग प्रोबेबिलिटी। कितनी है प्रोबेबिलिटी उनकी रिस्पेक्टिव? दैट इज 5/4, 0.83 एंड 58%। देन हमें क्या करना था? इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है वो फाइंड आउट करना है। पहले तो क्या करेंगे, सबको डेसिमल डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। 4/3 मतलब क्या हो जाएगा? देखो 4/5 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? ये डिवाइड कर लो 0.8। तो जॉन क्या कितनी आ रही है हमारी? देखो यहां से फिर लिखता हूं, जॉन की प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी 0.8। देन वसीम की कितनी दी है? वसीम इज इक्वल टू दिया है हमें 0.83। एंड देन अब 58% किसकी है? आकाश की। आकाश प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितनी दी है हमें? 58%। तो देखो परसेंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट अपॉन 100, दैट इज 58/100। कर लो भाई इनकी डिवीजन, क्या हो जाएगी? 0.58। मतलब सबसे कम किसकी निकल के आई हमारी? आकाश की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की, दैट इज 0.58। अब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है यहाँ? सेकंड नंबर, दैट इज वसीम की प्रोबेबिलिटी। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 0.83 ग्रेटर देन 0.8 ग्रेटर देन 0.58। तो वसीम हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहां सेंटेंस में लिख दो, वसीम हैज ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मेट है, तो इसको अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्या सॉल्व करना है? सिंपली क्या किया हमने, सारे फॉर्मेट जो थे एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये फ्रैक्शन में था, हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर एंड 1 गोली। देन आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट फर्स्ट इवेंट क्या दिया हमें? गोली विल बी सिलेक्टेड। सेकंड इवेंट में डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। देखो पहले तो एक हॉकी की टीम है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? सैंपल स्पेस चाहिए। तो सैंपल स्पेस में कौन से प्लेयर आ जाएंगे? सारे जितने भी टीम में है। टीम कंटेंट क्या क्या करते हैं? 4 ऑफेंडर, 6 डिफेंडर एंड 1 गोल की। तो पहले तो लिखना पड़ेगा द टीम कंटेंट, द हॉकी टीम कंटेन कितने प्लेयर्स थे भाई? 6, 4 एंड 1। मतलब 6+4+1 इज इक्वल टू टोटल प्लेयर कितने बन रहे? 11 प्लेयर्स। मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस डायरेक्टली क्या कैलकुलेट हो जाएगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11। अब बाय इवेंट हम कैलकुलेट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट इवेंट क्या है? द गोली विल बी सिलेक्टेड। गोली विल बी सिलेक्टेड। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है। अब इन टोटल प्लेयर्स में से हमें 6 क्या दिया है? डिफेंडर। यहां स्लाइटली लिखता हूं डिफेंडर। यहां 4 ऑफेंडर एंड 1 गोली। अब गोली कितने हैं हमारे पास टोटल? 1। मतलब अगर मैं इसको इवेंट दे दूंगा तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा? ए इवेंट है हमारा ये। देन एन ऑफ ए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितने गोली है हमारे पास? 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज एन ऑफ ए कितना है? 1। एन ऑफ एस कितना है टोटल पॉइंट? 11।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली विल बी सिलेक्टेड, मतलब एज अ कैप्टन गोली सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, 1/11. तो नोट डाउन दिस फर्स्ट इवेंट का आंसर 1/11. देन सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड इवेंट में क्या करना है, डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, डिफेंडर, डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड. अब देखो डिफेंडर कितने हैं हमारे पास, सिक्स. देयर आर टोटल सिक्स डिफेंडर्स, मतलब इवेंट बी, अगर इसको हम इवेंट बी पकड़ते हैं तो इवेंट बी में सैंपल पॉइंट्स कितने बन जाएंगे, सिक्स. तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्स. एन ऑफ एस कितना है हमारे पास, इलेवन. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11. देन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, सिंपल है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. तो एन ऑफ बी की वैल्यू सिक्स, एन ऑफ एस सॉरी एन ऑफ एस कितने हैं, 11. तो 6/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर टू बिकम अ कैप्टन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी लिख लो 11. तो नीचे सेंटेंस में लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली विल बिकम अ कैप्टन इज 1/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर टू बी अ कैप्टन इज सॉरी 6/11. तो नोट डाउन कर लो, गोली की 1/11 एंड डिफेंडर की प्रोबेबिलिटी है 6/11. नोट डाउन द आंसर. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. जोसेफ केप 26 कार्ड्स इन अ कैप बेयरिंग द इंग्लिश लेटर ऑन ईच कार्ड. वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल कार्ड. देखो हमें दिया क्या है, जोसेफ ने कितने कार्ड्स कैप के अंदर रखे, 26 कार्ड विथ इंग्लिश अल्फाबेट ऑन देम. इंग्लिश अल्फाबेट कौन से हमारे, ए टू जेड तक, मतलब 26 कार्ड पे क्या रिटर्न है, ए बी सी डी से लेके जेड तक. अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल, मतलब अब पहले तो वॉवेल्स कौन से है ये याद कर लो. वॉवेल्स कौन से होंगे हमारे, ए ई आई ओ यू. तो अल्फाबेट्स में दो टाइप्स होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. तो वॉवेल कौन से बनेंगे, फाइव, देर आर ए ई आई ओ यू, एंड जो बचेंगे अल्फाबेट्स वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, वॉवेल्स की. अब देर आर टोटल कितने कार्ड्स है, 26. देर आर टोटल 26 कार्ड्स, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस टोटल कितनी है, 26. तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26. अब इवेंट क्या दिया है हमें, द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल. इवेंट में लिखेंगे द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल. तो वॉवेल में यहां नीचे लिख दूंगा, वॉवेल कौन कौन से है हमारे, ए ई आई ओ यू. तो एन ऑफ ए, मतलब अगर ये ए इवेंट होगा तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए 5. एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5. अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन होल सैंपल स्पेस. अब एन ऑफ ए क्या दिया है, 5. एन ऑफ एस के क्या है, 26. अब आंसर क्या मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 5/26. पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/26, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, अगर हम 26 कार्ड में से एक कार्ड पिक करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/26 है, क्या आने की, वॉवेल आने की. तो नोट डाउन दिस. अब इसमें याद क्या रखना है आपको, वॉवेल्स होते क्या है, वॉवेल्स मतलब सॉरी ए ई आई ओ यू. तो ये नोट डाउन कर लो. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. अ बलून वेंडर हैज टू रेड थ्री ब्लू फोर ग्रीन बलून्स. ही वॉन्ट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स. तो रेड बलून ब्लू बलून एंड ग्रीन बलून मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रणाली को बलून वेंडर मतलब बलून वाला प्रणाली को बलून्स बेच रहा है, तो
तो उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ग्रीन ब्लू या रेड बलून्स की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती होगी जब वो प्रणाली को बलून फुला के देगा। अब यहाँ कितने बलून्स दिए टोटल वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देयर आर कितने टू रेड बलून्स। अब उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, R1, R2, कैपिटल R1, कैपिटल R2। देन थ्री ब्लू बलून्स मतलब अब क्या कंसिडर करेंगे, B1, B2 एंड B3। एंड बचे कितने, फोर ग्रीन बलून्स। ग्रीन मतलब क्या कंसिडर करेंगे, G1, G2, G3 एंड G4। अब टोटल बलून वेंडर के पास कितने बलून्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली सैंपल स्पेस इज S। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल बलून, मतलब टोटल बलून हम आउटकम्स एज सैंपल स्पेस में कंसिडर करेंगे, दैट इज R1, R2, B1, B2, B3, देन G की सीरीज, दैट इज G1, G2, G3 एंड G4। ये बनेंगे हमारा सैंपल स्पेस। तो देर आर कितने सैंपल पॉइंट्स है हमारे सैंपल स्पेस में, 3, 3, 6 एंड 3, 9। देर आर 9 सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। तो n ऑफ s इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9। अब वन बाय वन इवेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अ रेड बलून, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अ रेड बलून, अब रेड बलून कितना है यहाँ, 2। अगर हम ए इवेंट बताएंगे इसको तो n ऑफ a मतलब हमारे पास कितने बलून्स है, 2, दैट इज n ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2। अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना है इसका मतलब आउटकम्स, प्रोबेबल आउटकम्स, तो इवेंट ए के R1 एंड R2, n ऑफ a क्या आ जाएगा, 2। देन p ऑफ a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 9। मतलब रेड बलून मिलने की प्रणाली को रेड बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 अपॉन 9। तो नोट डाउन कर लो आंसर। देन अब कैलकुलेट करते हैं सेकंड इवेंट के लिए। सेकंड इवेंट में क्या दिया है, 1 मिनट, सीधी नहीं आ रही, चलो ठीक है। हाँ, सेकंड इवेंट में हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ ब्लू बलून, देखो सेकंड में लिखेंगे अ ब्लू बलून, तो ब्लू बलून होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमें यह फाइंड आउट करनी है। तो इसको दे देंगे इवेंट बी, तो इवेंट बी के प्रोबेबल आउटकम्स कौन से होंगे, बी इज इक्वल टू कितने हमारे पास ब्लू बलून, दैट इज 3, B1, B2, B3। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। देन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब एन ऑफ बी क्या है, 3, एन ऑफ एस क्या है, 9। सिंप्लीफिकेशन कर दो 3 से डिवाइड करके, तो 1 अपॉन 3, मतलब 1 अपॉन 3 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ब्लू बलून, प्रणाली को अगर ब्लू बलून मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 अपॉन 3। अब लास्ट बलून कौन सा कैलकुलेट करना है, फॉर अ ग्रीन बलून, प्रोबेबिलिटी फॉर अ ग्रीन बलून, अ ग्रीन बलून। अब देयर आर टोटल कितने ग्रीन बलून है यहां, 4 ग्रीन बलून्स, तो इवेंट सी के प्रोबेबल आउटकम्स कौन से बनेंगे, 4, दैट इज G1, G2, G3 एंड G4। ये बनेंगे 4 प्रोबेबल आउटकम्स फॉर इवेंट सी, दैट इज ग्रीन बलून के लिए। अब हमारा एन ऑफ सी मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं, जैसे पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 अपॉन एन ऑफ एस कितना है हमारा, 9। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ
ग्रीन बलून इज 4/9, तो ये कैलकुलेट है, ये नोट डाउन कर लो। रेड बलून की 2/9, ब्लू बलून की 1/3 एंड ग्रीन बलून की 4/9, तो नोट डाउन दिस आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड पेन्स, 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा वांट टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। देखो सिमिलर एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, अब यहां क्या दिया है, सिर्फ बलून्स की जगह पेन एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज चेंज करती है। तो पहले तो क्या करेंगे, हेयर देयर आर कौन से कलर के कितने कितने पेन है, 5 रेड पेन्स मतलब उनके लिए हम इनिशियल्स कह लेते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। अब 8 ब्लू पेन्स उनके लिए इनिशियल क्या हो जाएंगे हमारे, B1 से लेके B8 तक, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8 तक ये हो जाएंगे हमारे ब्लू पेन्स। बचे कौन से, ग्रीन पेन्स, एंड देयर आर 3 ग्रीन पेन्स मतलब G1, G2 एंड G3, ये टोटल नंबर ऑफ पेन है हमारे पास। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, द सैंपल स्पेस इज सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे हमारे, मतलब हमें 5 + 8 + 3 इन सारे हमें सैंपल स्पेस में लिखने पड़ेंगे, दैट इज R1, R2, R3, R4, R5, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, B7 एंड B8। अब बचे कौन से, ग्रीन वाले, दैट इज G1, G2 एंड G3। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस n of s क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 5, 8 एंड 3, 5 + 3 8, 8 + 8 16। तो n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज 16। देन अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमें, ब्लू पेन की। अब ऋतुजा को ब्लू एक पेन उठाना है उसमें से और वो ब्लू निकल के आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू पेन, अब इसको ए इवेंट कंसीडर करेंगे, ए इवेंट में कौन से आ जाएंगे, सिर्फ ब्लू पेन्स, दैट इज इसका भी आउटकम्स हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, B1 से लेके B8 तक। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट ए, n ऑफ ए क्या बनेगा हमारा, 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पी ऑफ ए यही कैलकुलेट करता हूं नीचे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू n of a upon n of s। तो n ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 8, n ऑफ s में 16, तो 8/16 इज इक्वल टू 1/2। तो ऋतुजा ब्लू पेन उठाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो नोट डाउन दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट द ऋतुजा पिक्स अ ब्लू पेन इज 1/2। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो, तो अगर हम डाई को रोल करेंगे जो अपर फेस आएगा उस पे ये नंबर से कौन से A, B, C, D, E एंड फाइनली रिपीट होके A आ रहा है। तो इफ द डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A अपीयर्स ऑन द अपर फेस। अब देखो कौन से दिए हमें, A, B, C, D, E एंड फिर से रिपीट होके A, मतलब A कितने बार आ रहा है, 2 बार। पहले तो हमें सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी उनकी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करेंगे। अ डाई इज रोल्ड, अब डाई पे कौन से अल्फाबेट होंगे वो हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू कौन से डाई पे अल्फाबेट से हमारे, A, B, C, D, E एंड वापस से A।
अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6, एन ऑफ यस इज इक्वल टू 6. अब हमें फाइंड आउट क्या करने है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी. ए अपीयर्स ऑन द अपर स्पेस, ए अपीयर्स ऑन अपर फेस. अब अपर फेस पे हमें ए आना चाहिए, तो यहां ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसको ए इवेंट ले लेता हूं सपोज. तो चलो ठीक है, इसको क्या देंगे, दूसरा अल्फाबेट देते हैं एल, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. एल इवेंट में क्या दिया है, ए अपर फेस पे आना चाहिए, तो डाय को रोल करेंगे तो इतने फेसेस आ रहे हैं. देन ए कितनी बार आ रहा है हमारा, 2 बार आ रहा है, मतलब कि सैंपल आउटकम्स फॉर इवेंट ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए. अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट एल इज इक्वल टू एन ऑफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2. सिमिलरली उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करते हैं, पी ऑफ एल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एल अपॉन एन ऑफ यस. तो एन ऑफ एल कितना है, 2, एन ऑफ एस 6, 2/6 कर दो मल्टी सिंप्लीफाई, तो 2/6 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3. तो प्रोबेबिलिटी दैट द ए विल अपीयर ऑन द अपर फेस इज 1/3. अब सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट में क्या होना चाहिए, डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस. तो अपर फेस पे डी अपीयर होना चाहिए. अब इसको इवेंट नेम देता हूं मैं एम, कौन सा भी दे दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस मतलब यहां अपर फेस पे अगर रोल डाई करेंगे तो डी आना चाहिए. कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार, तो एम इवेंट्स के इवेंट के आउटकम क्या आ जाएगा, ये डी. तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट एम इज एन ऑफ एम, दैट इज कितने आ रहे हैं, 1. एन ऑफ एम इज इक्वल टू 1. देन पी ऑफ एम इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो पी ऑफ एम इज इक्वल टू एन ऑफ एम अपॉन एन ऑफ एस. तो एम की आउटकम कितने हैं, 1, एस के 6, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस. ए अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, डी अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6. तो नोट डाउन दिस. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अ बॉक्स कंटेन 30 टिकेट्स बेयरिंग 1 to 30 नंबर्स ऑन ईच. इफ 1 टिकेट इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकेट ड्रॉन बियर्स. फर्स्ट इवेंट में दिया ऑड नंबर्स आएगा एंड सेकंड पे कंप्लीट स्क्वायर नंबर आना चाहिए. तो बॉक्स में कितने टिकेट्स है, 30 टिकेट्स, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 30 तक. तो एन ऑफ एस क्या बन जाएगा, यही हमारा 30. अब इनमें से अकॉर्डिंग टू आवर इवेंट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी. तो पहले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, देयर आर 30 टिकेट्स नंबरिंग फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 30 तक, 1 to 30. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस एन ऑफ यस विल बी 30. देन फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, एन ऑड नंबर, तो लिखते हैं एन ऑड नंबर. मतलब अगर हम इन 30 टिकट्स में से एक कार्ड बाहर निकालेंगे तो वो उस टिकट पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, कितने ऑड नंबर्स है 1 to 30 में, ये पहले लिखना पड़ेगा. तो इवेंट ए के प्रोबेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27 and 29. यहां तक आ जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स, किसके बीच में, 1 to 30 के, क्योंकि नंबरिंग हमारी कहां से कहां तक हो रही है, सिर्फ 1 से लेकर 30 तक. तो गिन लो कितने आ रही है, 3, 6, यहां 9, देन 12 एंड ये बचे 3, 15. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस मतलब इवेंट में, ए इवेंट में कितने आ रहे हैं, 15. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टिकट ड्रॉन इज एन ऑड नंबर इज पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू
एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है 15, एन ऑफ एस कितना है 30, तो 15 अपॉन 30 क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ऑड नंबर आने की, अगर टिकट ड्रॉ कर रहे हैं हम तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो फर्स्ट का आंसर नोट डाउन कर लो। सेकंड आंसर, अब इवेंट क्या दिया है सेकंड में, कंप्लीट स्क्वायर नंबर चाहिए, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अब इसके लिए सपोज मैं बी इवेंट सपोज करता हूं, देन प्रोबेबल आउटकम्स कौन से आएंगे। अब कंप्लीटिंग कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब कौन से, 1, देन 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, ये क्या बनेंगे, ये सिर्फ बनेंगे हमारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर, मतलब जिनका स्क्वायर रूट फाइनाइट आ रहा है, मतलब पॉइंट में नहीं जा रहा। तो देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, तो हमने 25 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारा स्पैन कितना था 1 टू 30 तक, तो 1 टू 25, ये हमारे 1, 4, 9, 16 and 25, ये बनेंगे कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो एन ऑफ बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट बी इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं 5, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, तो एन ऑफ बी कितना है 5, एन ऑफ एस कितना है, यहाँ कैलकुलेट किया था एन ऑफ एस इज इक्वल टू 30, तो डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 1/6, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/6, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नंबर उस कार्ड पे टिकट पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/6। तो नोट डाउन दिस, ऑड नंबर की 1/2 एंड कंप्लीट स्क्वायर नंबर की 1/6, नोट डाउन दिस। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।